हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रिएट वेल्थ विद अतुल में। मैं हूं आपका दोस्त अतुल गोयल। आज हम बात करेंगे बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हुए एक छोटे बैंक और जिसका प्राइस भी अभी 10 रुपये से नीचे का है। हम बात करें साउथ इंडियन बैंक, जिसने अभी रिसेंट में काफ़ी अच्छा मूवमेंट दिखाया था। क्या न्यूज है इसके ऊपर, कैसे रिजल्ट्स हो सकते हैं, कैसा मैनेजमेंट का फोकस है और क्या टेक्निकल बोलते हैं, कितना इसके अंदर डाउनसाइड अब है और किस लेवल के ऊपर एक रेजिस्टेंस ये फेस कर रहा है, उसको हम टेक्निकल उसके ऊपर भी देखेंगे और देखेंगे कि अगर उसको ये क्रॉस करता है, उस रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है, तो कितना मोमेंटम ये और दिखा सकता है। हमने पहले भी इसके ऊपर वीडियोज बनाए थे जब इसका लेवल ऑलमोस्ट 8 के आसपास था और अगेन इसने एक मोमेंटम दिखाया था, रिजल्ट वीक आए थे, उसके बाद अगेन ये 8 रुपये की रेंज के अंदर गया था। तब भी हमने कहा था ये अगेन 10 को क्रॉस करते हुए नजर आएगा, तो 8 रुपये से 10 रुपये का भी आप देख सकते हैं, 25% के आसपास के रिटर्न ये देते हुए नजर आ रहा है। तो इसके बाद अगर देखें तो प्राइस जो अभी है, प्रीवियस क्लोज 9 रुपये 55 पैसे का था, अभी 9 रुपये 90 पैसे के आसपास ये काम कर रहा है 3.66% की तेजी के साथ। ओपन हुआ था 9 रुपये 70 पैसे पे, आज 10 रुपये 25 पैसे का हाई बनाया है और लो जो है 9 रुपये 65 पैसे का है और 9 रुपये 85 पैसे 90 पैसे के आसपास अभी भी ये काम कर रहा है। 52 वीक हाई देखेंगे 10 रुपये 85 पैसे का है, लो देखेंगे 4 रुपये 80 पैसे का है, तो नीचे के लेवल से शेयर ऑलमोस्ट डबल के आसपास अभी भी काम कर रहा है। 5 दिन का अगर देखेंगे तो एक रेंज के अंदर जरूर काम कर रहा है, 10 रुपये 60 पैसे के आसपास इसने हाई बनाया था और आज भी 10 रुपये 25 पैसे के आसपास का टॉप है, तो आप देख सकते हैं एक रेंज के अंदर है। 8 रुपये 35 पैसे अगर एक महीने पहले देखें तो 8 रुपये 5 पैसे का इसने लो बनाया और यहाँ पर देख सकते हैं 10 रुपये 50 पैसे के आसपास का हाई भी बनाया है। तो इस टाइप से एक रेंज के अंदर जरूर काम कर रहा है बट एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, उस रेजिस्टेंस की हम जरूर बात करेंगे। जैसे मैंने कहा छोटा बैंक है तो 1728 करोड़ का मार्केट कैप है इसका और ROC देखेंगे 6.01% की है, ROE देखेंगे 1.93% की है, कोई भी शेयर प्लज नहीं है और EPS जरूर अभी माइनस में है, रिजल्ट सही नहीं है। बुक वैल्यू देखेंगे तो 30.2 की है, बुक वैल्यू से ऑलमोस्ट शेयर जो है 70% के आसपास डिस्काउंट के ऊपर मिलता हुआ नजर आ रहा है। प्राइस टू बुक वैल्यू 0.32 की है, फेस वैल्यू 1 की है, डिविडेंड पे नहीं करते हैं। तो देख सकते हैं मिक्सअप एक आपको फंडामेंटल्स इसके मिलेंगे बट आने वाले टाइम में जरूर देखेंगे किस टाइप का शेयर हो सकता है। 200 डीएमए से ऊपर शेयर काम कर रहा है और 50 डीएमए से भी ऊपर ही काम कर रहा है और 200 डीएमए के ऊपर इसने यहाँ पर सपोर्ट लिया था और यहाँ पर ही सपोर्ट लिया, उसके बाद देखिए ऊपर अच्छा बाउंस इसने दिया। रिजल्ट्स देखेंगे तो जो एनपीए हैं जरूर इनके इम्प्रूव हो रहे हैं। पहले आप देखेंगे 4.98 के आसपास हुआ करते थे, 4.90 के आसपास हैं, 3.34 जो नेट एनपीए परसेंटेज थी वहां से भी 2.12 के आसपास हैं, तो जो एसेट क्वालिटी है वो इम्प्रूव होती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर जरूर इस क्वार्टर में इन्होंने लॉस दिया था 92 करोड़ का, उससे पहले 2 क्वार्टर प्लस थे, तो आप देख सकते हैं पहले के जो क्वार्टर्स थे वो सारे प्लस ही इनके थे, 2 क्वार्टर आप देखेंगे तो माइनस के अंदर हैं, बाकी सब इनके प्लस के अंदर ही आए हैं। अदर इनकम्स जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है इनके लिए, यहाँ से ही अदर इनकम्स जो आती हैं। इसके बाद देखेंगे जो प्रमोटर की होल्डिंग है ये आपको दिखाई नहीं देगी, FII की होल्डिंग 9.13 है, DII की होल्डिंग 4.56 की है और पब्लिक के पास 86.31 के आसपास की होल्डिंग्स यहाँ पर दिखाई देगी, जिसके अंदर से 5% स्ट्रॉन्ग हाथों में है, बाकी 80% जो है जनरल पब्लिक के पास है। इसके बाद आप न्यूज़ को देखेंगे तो न्यूज़ आपको इस टाइप से दिखाई देगी, साउथ इंडियन बैंक टू रेज ₹240 करोड़ फ्रॉम लाइफ एंड जनरल इंश्योरेंसेज। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है केरला बेस्ड साउथ इंडियन बैंक हैज गॉट बोर्ड अप्रूवल, तो 240 करोड़ के लिए बोर्ड की अप्रूवल मिली है फ्रॉम HDFC लाइफ, कोटक महिंद्रा, SBI लाइफ एंड ICICI लोम्बार्ड ऑन ए प्रेफरेंशियल बेसिस। ये बैंक इज आल्सो प्लानिंग टू रेज अनदर 5-10 करोड़ टू सपोर्ट इट्स विजन 2024 एंड विच विल फोकस ऑन 3 C's। तो ये 3 C's का पहले भी फोकस इन्होंने दिया था, जो इनके नए MD हैं उनकी तरफ से आया था किस टाइप से बैंक को आगे लेके जाना है। तो आप देख सकते हैं दे बैंक CEO मुरली रामकृष्णन हु टुक ओवर इन अक्टूबर 2020 सेड द लॉस आर लार्जली ड्यू टू द 4 एक्स्ट्राऑर्डिनरी इवेंट्स। तो इन 4 इवेंट्स की वजह से ये क्वार्टर के अंदर -92 के आसपास का जो लॉस आया था वो उसका जिक्र कर रहे हैं किस वजह से लॉस आया था। और इनका कहना है फॉर मी परफॉर्मेंस ओवर द लॉन्ग रन इज इम्पोर्टेंट नॉट जस्ट फॉर 1 or 2 quarters। तो हु एक्सपेक्ट द बैंक टू टर्न अराउंड ड्यूरिंग द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2022। तो पहले क्वार्टर के बाद ये सोच रहे हैं कि ये टर्न अराउंड होता हुआ दिखाई देगा। ही वॉज अपॉइंटेड द बैंक CEO इन अक्टूबर 2020। तो अभी आप देख सकते हैं ज़्यादा टाइम इनको नहीं हुआ है एंड विल बी द फर्स्ट फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर। तो पहले ये ऐसे CEO हैं जिनको प्राइवेट सेक्टर से अपॉइंट किया गया है। हिज अपॉइंटमेंट कम्स एट ए टाइम वेन द लेंडर इज लुकिंग एट स्ट्रेंथन इज रिटेल बुक।
तो इनका जो फोकस है काफी क्लियर है, यहाँ देख सकते हैं SIV's टर्न अराउंड विल बी बेस्ड ऑन 3 C's, जैसे 3 C's का इन्होंने एक पॉलिसी दी है, दीज इंक्लूड कैपिटल, कासा, कॉस्ट टू इनकम, कॉम्पिटेंसी बिल्डिंग, कस्टमर फोकस एंड कंप्लायंस, दिल विल बी बैक्ड बाय द पेशेंस, प्रिजर्वेंस एंड हार्डवर्क। तो बैंक को काफी आगे ये चीजें ले जा सकती हैं, 3 C का जो इन्होंने पूरा का पूरा फोकस जो रखा हुआ है, और लेंडर फोकस इज ऑन इम्प्रूविंग द गारंटी ऑन द लोन बुक एंड द बैंक हैज बिन कंसिस्टेंटली इंक्रीजिंग द मिक्स रिटेल एग्री MSME लोन्स, इट इज टारगेटिंग जो है 71,000-72,000 करोड़ के आसपास के जो रिटेल बुक है 2024 तक का इनका टारगेट है। और इसके बाद आप देख सकते हैं जो कॉरपोरेट बुक है, ये तो रिटेल बुक की हमने बात की थी, जो कॉरपोरेट बुक है उसको ये नीचे ला रहे हैं, 15% के आसपास इनका टारगेट है, 24% के आसपास अभी चल रही है। और एज द बैंक इज प्लानिंग टू फोकस ऑन RAM रिटेल एग्रीकल्चर एंड SMSME, और RAM कंट्रीब्यूशन जो है वो भी इंक्रीज तो है, एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज टू 85% इन द नेक्स्ट 3 ईयर्स फ्रॉम 76%। तो कॉर्पोरेट लोन बुक्स जो है उसको डाउन ला रहे हैं, 24% अभी है, 15% तक लाने का है। और इसके बाद अगर देखेंगे 2020 से 2024 के बीच में जो टारगेट्स हैं वो जो लोन बुक है 1 ट्रिलियन तक, 1,00,000 करोड़ तक ले जाने का है, जो कि अभी 63,000 करोड़ के आसपास की है। कासा मिक्स जो है 35% का है, जो कि अभी 28% के आसपास है। PCR देखेंगे तो 35% का है, जो कि अभी अराउंड 72% है, इंक्लूडिंग राइट ऑफ जो है उसको मिलाकर। तो काफी अच्छे इनके जो टारगेट्स हैं। इसके बाद देख सकते हैं, इन द मिनिमम टर्म लेंडर एक्सपेक्ट टू सी ए मार्जिनल इंक्रीज इन GNPA बाय 2024। तो अगर इसके ऊपर ये काम करते हैं बिल्कुल ये बैंक को आगे ले जा सकते हैं, और फोकस बिल्कुल क्लियर है कि लॉन्ग टर्म में इनको बैंक को अच्छा बनाना है और एक अच्छी ग्रोथ देनी है, नियर टर्म में या 1-2 क्वार्टर्स के लिए नहीं। और जो टारगेट्स रखे गए हैं 3 C's के, ये काफ़ी अच्छे हैं इनके, जिसमें कैपिटल, कासा, कॉस्ट टू इनकम, कॉम्पिटेंसी बिल्डिंग, कस्टमर फोकस एंड कंप्लायंस, और इसके लिए इन्होंने बताया है पेशेंस और प्रिजर्वेंस और हार्डवर्क सब कुछ चाहिए होगा। इसके बाद अगर देख सकते हैं, साउथ इंडियन बैंक ईयरमार्क 750 करोड़ टू टेक केयर ऑफ रिक्वायरमेंट्स इन FY 2022। इनका कहना है कि वी आर लुकिंग एट रेजिंग 750 बाय टेकिंग केयर ऑफ रिक्वायरमेंट्स फॉर द कमिंग ईयर स्टार्टिंग अप्रैल। उसके लिए 750 करोड़ रुपया इनको चाहिए होगा और वो उसके लिए साइड ईयर मार्क कर रहे हैं। वी आर लुकिंग एट रीऑर्गेनाइज द एसेट प्लान्स ऑफ द बैंक बाय ग्रोइंग रिटेल, SMSME और SME एंड एग्री बिजनेस, सो दैट द ट्रेंच विच आई एम टॉकिंग अबाउट 750 करोड़ होपफुली विल सर्विस द रिक्वायरमेंट फॉर द नेक्स्ट फुल ईयर। तो आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी प्लानिंग के साथ ये आगे बढ़ रहे हैं। अभी छोटा बैंक है, आगे अच्छा ग्रो कर सकता है, एक अच्छे प्राइस पे मिल रहा है। अगर टेक्निकली देखें, ये तो थे फंडामेंटल्स बात, किस टाइप का उसका मार्केट क्या है, कैसे रिजल्ट्स हैं, कैसा फोकस है, किस टाइप से ये फंड रेज कर रहे हैं और कैसे फंड आगे ये मैनेज करके चलेंगे, और कंपनी के CEO का क्या कहना है, किस टाइप के इनके आगे के प्लान्स हैं, फोकस है, उस सब के ऊपर बात की। अगर टेक्निकल आप देखेंगे, जो मूविंग एवरेज को जानते हैं, तो 14 मूविंग एवरेज अभी बाय की ओर इंडिकेट कर रही है और एक न्यूट्रल की तरफ इंडिकेट कर रही है, यानी स्ट्रॉन्ग बाय इसके अंदर करके चलना चाहिए, और जीरो सेल है आप यहां पर देख सकते हैं, और ओसिलेटर्स नो न्यूट्रल, 2 बाय 0 सेल। तो ओसिलेटर भी देखेंगे, कोई भी सेल की तरफ इंडिकेट नहीं कर रहा है, मूविंग एवरेज कोई भी सेल की तरफ इंडिकेट नहीं कर रहा है। अगर इन 26 को हम मिला लें और एक समरी बनाएं, तो आप देखेंगे कि बाय की तरफ इंडिकेट किया जा रहा है, 10 न्यूट्रल है, 0 सेल और 16 बाय की तरफ इंडिकेट कर रहे हैं कि इसको बाय करके चलना चाहिए। मूविंग एवरेज स्ट्रॉन्ग बाय की तरफ इंडिकेट कर रही है, कोई भी डिप इसके अंदर मिलता है तो इसको बाय करके चलना चाहिए। इसके बाद अगर देखें डेली चार्ट के ऊपर, एक यहाँ से इसने जो स्टॉक है एक अच्छा रनअप इसने दिया था, यहाँ से जो एक बेस इसने बनाया आप देख सकते हैं 8 रुपये का, 15 फरवरी को हमने यहाँ पर भी वीडियो बनाई थी और बताया था कि ये स्टॉक जो है 10 को क्रॉस करता हुआ नजर आएगा, और उसके बाद एक अच्छा रनअप इसके अंदर आया है, 10 रुपये 85 पैसे को इसने टच किया, बट क्लोजिंग उसके ऊपर नहीं दे पाया है, जो कि इसका रजिस्टेंस है 10 रुपये 70 पैसे, 10 रुपये 75 पैसे के आसपास का। अगर आप वीकली चार्ट के ऊपर देखेंगे तो इस टाइप से स्टॉक जो है आपको नजर आएगा। यहाँ पर स्टॉक ने 10 रुपये 65 पैसे को टच किया था 7 दिसंबर को, अगेन जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं 10 रुपये 15 पैसे तक स्टॉक गया था, बट इसको क्रॉस नहीं कर पाया। तो 10 रुपये 70 पैसे के ऊपर अगर ये क्लोजिंग देता है, 65 पैसे और 70 पैसे के ऊपर, तो ये स्टॉक जो है एक अच्छा मोमेंटम पकड़ सकता है, जो इसे 14 रुपये के रेंज के अंदर, 13.5 से 14 रुपये की रेंज के अंदर भी ले जाता हुआ नजर आ सकता है। तो 10 रुपये 65 पैसे 10 रुपये 70 पैसे के आसपास आपको बिल्कुल इसके अंदर नजर रखनी चाहिए, क्योंकि ये पहले भी यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस कर चुका है, और अगर इसको ये ब्रेक करता है तो आपको ये स्टॉक जो है इजिली आपको 13.5-14 रुपये के लेवल तक इजिली मोमेंटम दिखा सकता है। तो छोटा बैंक है, ग्रोइंग बैंक है,
कोई भी डिप इसके अंदर मिलता है 9 रुपए के आसपास या उससे भी नीचे, कोई बैंकिंग सेक्टर के अंदर कोई करेक्शन होती है या इस बैंक से रिलेटेड कोई नेगेटिव न्यूज आती है, करेक्शन होती है, तो बिल्कुल आपको इसे डाउन पे अकोमोडेट करना है और 10 रुपए 65 पैसे 70 पैसे के ऊपर आपको नजर रखनी है। अगर इसको ये क्रॉस करता है तो एक अच्छा मोमेंटम ये यहाँ से दे सकता है। आप अगर डेली चार्ट के ऊपर भी देखें तो इस टाइप से ये लाइंस आपको जो है नजर आएंगी जो मैंने ड्रॉ की हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे इस लेवल के आसपास ही पहले भी ये स्टॉक जो था यहाँ पर टच किया था और यहाँ से ही करेक्ट होना स्टार्ट हुआ था। अगेन इस लेवल के आसपास ही ये गया बट इसको जो है होल्ड नहीं कर पाया। नेक्स्ट डे भी आप देखेंगे 10 रुपए 75 पैसे का हाई बनाया तो 10 रुपए 25 पैसे की क्लोजिंग थी, यहाँ पर 10:50 की क्लोजिंग थी, यहाँ 25 की क्लोजिंग थी। उसके बाद नीचे आता हुआ 9 रुपए 50 पैसे को टच किया इसने, आज भी 9 रुपए 50 पैसे तक गया है। अगर कोई भी डिप इसके अंदर मिलता है तो आपको अकोमोडेट करना चाहिए और अगर इसके ऊपर क्लोजिंग देता है तो एक अच्छा मोमेंटम ये पकड़ सकता है। तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करके अपनी होल्डिंग कैपेसिटी और रिस्क टेकिंग कैपेसिटी के हिसाब से इसे कंसिडर कर सकते हैं। आने वाले टाइम में अच्छे ग्रोथ ये बैंक दिखा सकता है। थैंक यू, धन्यवाद।